वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। एंड जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो जी, अब हम बताएंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आज होने वाला है अगेन आफ्टर 10 days मीशो विंटर वियर हॉल, बिकॉज आई एम इन लव विद दिस हॉल वीडियोज एंड मुझे लगता है आप लोग भी, क्योंकि मुझे इस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। एंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आप लोगों को भी लगता होगा कि बस इसका तो हमेशा इसकी तबीयत ही खराब रहती है, बट मैं क्या करूँ, ठंड आती है, तबीयत खराब का जो सीजन है वो भी आ जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट। हियर वी हैव पार्सल्स, यहाँ पे हमारे पार्सल्स हैं, आधे खुल के पड़े हुए हैं। तो क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ काफी टाइम से ये वीडियो शेयर करना था, पार्सल्स काफी दिन से आए हुए थे, लेकिन यही था कि मैं बना नहीं पाई, तो अभी हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो पीस है वो है ये वाला जो मैंने पहन के रखी, पर्पल कलर का शर्ट है। इसका जो ना मतलब फैब्रिक है, मैं क्या भी बताऊँ यार, इसका मुझे फैब्रिक का नाम तो नहीं पता है, बट ये फैब्रिक काफी मोटा मोटा सा लग रहा है। और मैंने मंगाया था ये जैकेट और मुझे रिसीव हो गया है ये, लेकिन रॉन्ग प्रोडक्ट आने के बाद भी आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा है। ओवर साइज शर्ट है और लाइक एक थोड़ा सा ना यू नो मोटी शर्ट है, तो लाइक आप इसको अंदर इनर के साथ, मतलब आप अंदर इनर वेयर करके इसको वेयर कर सकते हो, या ऐसा कुछ टॉप पहन सकते हो, टैंक टॉप जैसे कि मैंने पहना हुआ। और ये टॉप जो है H&M से है, तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो मुझे बता देना, सो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी। तो मूव करते, अच्छा मैं इसका मार्क भी दे देती हूँ, तो अगर मैं इसको मार्क करने जाऊँ ना तो मैं 10/10 करूंगी, बिकॉज बहुत अमेजिंग लगता है। आप इसको फॉर्मल वे में भी पहन सकते हो, फंकी वे में भी, सो मेनी स्टाइल्स में आप इसको पहन सकते हो। सो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट मुझे नहीं मालूम कि आपको ये रिसीव होगा कि क्या, तो लाइक मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने ये जैकेट मंगाई थी, आया मुझे ये, तो मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या। सेकेंड पार्सल है हमारा एक ये वाला जैकेट मैंने मंगवाया हुआ था, लाइक थोड़ा सा मुझे लगता है कि विंटर्स तो है, तो हर जगह ना एक बोरिंग बोरिंग सा कलर पहन के भी नहीं जा सकते, और हर जगह यू नो कई बार हमें ऐसे होता है कि कुछ ऐसी पार्टीज में जाना पड़ता है जहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से चाहिए होता है कि हम इस टाइप से कुछ वेयर करके और कुछ स्टाइल करके जाए। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी ठंड तो गायब नहीं होने वाली है, जैसे जिस तरीके से ये रिसीव हुआ है। ये शॉर्ट जैकेट है, एक शिमर फैब्रिक का जैकेट है, बट ये दिस इज फॉर ओनली स्टाइलिंग, लाइक आप इसके साथ इनर पहनो, अंदर इनर के ऊपर टॉप पहन लो अगर और ठंड है, उसके ऊपर फिर आप ये पहनो तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज आप अगर इसको सिंगल पहन के निकलोगे तो आप तो ठंड में ही उकड़ के मर जाओगे। नहीं नहीं ऐसे मरोगे तो नहीं, बट आया ठंड में, मतलब मेरे को तो इतनी ठंड लगती कि आप शिवर करने लगते हो। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग फैशनेबल थिंग तो आप इसके साथ जा सकते हैं गाइस। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक सुंदर सा पार्सल की तरफ, ये खुला ही हुआ है तो मैं सोचा यही शेयर कर दूं। ये है लैवेंडर कलर में, एक मुझे चैन वाली हुडी रिसीव हुई है, बेसिकली इसमें एक कॉलर भी दिया हुआ है, काफी अच्छा है। लाइक इसका जो फैब्रिक है अंदर से कुछ इस तरीके का फैब्रिक, तरीके नहीं इस तरीके का फैब्रिक है, और ये फैब्रिक जो होता है ना काफी वार्म होता है अंदर से, तो आप इस वाले के साथ जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आया है, लाइक इसमें सिर्फ चैन का है कि उसमें थोड़ी नीचे तक चैन दी गई थी, और जो रिसीव हुआ है उसमें चैन ज्यादा नीचे तक नहीं दी गई है। अदरवाइज इट्स लुकिंग प्रिटी, वार्म भी काफी अच्छा है, और स्लीव्स की भी लेंथ बहुत अच्छी है, इस हुडी की भी लेंथ काफी अच्छी है, और ये ओवर साइज में मतलब मैंने मंगाई थी, तो लाइक मैंने इसको मीडियम साइज में ऑर्डर किया हुआ था, एंड ये वाला जैकेट जो है स्मॉल साइज में ऑर्डर किया हुआ था। जब आप मीडियम साइज में करोगे तो आप इतना बड़ा आपको मिलेगा, लाइक मुझसे एक साइज ज्यादा वाली लड़की भी पहन सकती है, बट आई लव टू वियर ओवर साइज थिंग्स, इसलिए मैंने मीडियम साइज में मंगाया है गाइस। लेट्स मूव ऑन द अदर प्रोडक्ट। अगेन सुंदर सी हुडी है, स्वेटर काइंड ऑफ ये है, हाँ हुडी ही है ये, इन डबल कलर, ये ब्लू एंड व्हाइट कलर में आई हुई कुछ इस तरीके की हुडी है, और काफी प्रिटी लग रही है वैसे ये। आप इसको यू नो जीन्स वगैरह के साथ वेयर कर सकते हो, मुझे लगता है कि जीन्स में ही ज्यादा सुंदर लगेगा, और आप इसमें एक वाइट ट्राउजर के साथ भी इसको पेयर करके पहन सकते हो, विद वाइट ट्राउजर विद वाइट जैकेट। सो इसका कपड़ा भी काफी अच्छा है, मुझे तो इसका कपड़ा भी काफी अच्छा लग रहा है, बस ये इसका जो नेक है ना थोड़ा सा यू नो फैला फैला सा लग रहा है, एक चीज थोड़ी सी अच्छी लगी, इसका जो नेक है ये फैला फैला सा लग रहा है, और यहाँ से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी यू नो एक अलग सी फील हो रही है। अदरवाइज अंदर से ये वॉर्म टाइप का फैब्रिक इसमें दिया हुआ है, दिख पतला रहा है बट फिर भी वॉर्म है, मतलब मीडियम ठंड को तो ये कवर कर ही लेगा,
बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि ना जब भी आप कोई चीज पहनो तो अभी अंदर से ना इतने सारे ऑप्शंस के इनर वियर आते हैं जिनके नेक्स काफी डीप होते हैं, तो आपको मतलब किसी को पता नहीं चलता है कि आपने इनर भी पहना हुआ है, एंड फैशन का फैशन भी हो जाता है। लाइक इस शर्ट को मैं जब भी पहन के जाती हूँ तो मैं इसके अंदर इनर वेयर करती हूँ, पूरे शर्ट्स के बटन लगा के जाती हूँ। इट वॉज लुकिंग वेरी अमेजिंग, लाइक प्रोफेशनल वे में भी आप इसको कैरी कर सकते हो। एंड हाँ, अगेन हम इस पे आ जाते हैं, तो मैं बट मुझे मैं अगर ज्यादा बोलूँ तो मुझे उतना ज्यादा ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो मैं इसको 10 में से ना 7 मार्क्स ही दूंगी मैं, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा कुछ ना समझ में नहीं आ। करेंगे हम पार्सल की तरह। इसमें मैंने मंगाई हुई थी एक लेदर जैकेट, तो इस तरीके की कुछ लेदर जैकेट मुझे यू नो रिसीव हुई है। काफी अच्छी लेदर जैकेट मुझे लग रही है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, और ये ब्लैक कलर में है, तो कुछ इस तरीके की। इसका जो पीछे का पोर्शन है वो थोड़ा लाइक यू नो स्ट्रेट है, एंड आगे का जो पोर्शन है आप समझ ही सकते हो इसे थोड़ा राउंड टाइप में, विच इज लुकिंग अमेजिंग। इसकी मुझे एक ही चीज पसंद नहीं आई, जो है ये जो जिप के यहाँ पे इस तरीके का लगा हुआ है ना, लेदर का ही बना हुआ, तो मुझे बट वो उतना अच्छा लगा नहीं। बाकी इसमें दो ऐसे ये दिए गए हैं पॉकेट्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ, मुझे लगा ही था कि ये पॉकेट्स किसी काम के नहीं है, दिस इज ओनली फॉर डिजाइन पर्पस, तो हाँ पॉकेट तो इसमें नहीं है। और अंदर से कुछ ये इस तरीके का, लाइक इसमें अंदर कुछ वॉर्म के लिए कुछ भी नहीं है। लाइक एक लेदर जैकेट में होता है कि अंदर से वॉर्म के लिए एक अलग से कपड़ा लगाया जाता है जो आपको वॉर्म रखता है, एंड साथ साथ में फैशन भी आप कर सकते हो, बट इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। डायरेक्ट ये जिप वगैरह सारे दिख रहे हैं, तो मतलब जो भी बाइक राइडर्स है ना उनके लिए ये अच्छी है, क्योंकि राइडिंग में इस तरीके की जैकेट आप लोग पहन के जा सकते हो। तो हम इसको मार्क्स कर देंगे अगर, तो मैं 10 में से 7 मार्क्स दूंगी, क्योंकि इसमें अंदर एक फैब्रिक नहीं दिया गया है वॉर्म रखने के लिए आपको, इसीलिए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे दूसरे पार्सल की तरफ। इस कपड़े से, इस पार्सल से मुझे काफी उम्मीद थी, क्योंकि मैं हमेशा से इस तरीके का फैब्रिक जो है ठंड में पहनना पसंद करती हूँ, ऊनी जो ऐसा लगता है मुझे कि इसमें ना भेड़ के बाल दिए गए हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है ऐसे पहनने में, और ये अंदर से बहुत वार्म भी होता है। बट क्या हुआ ना, इसमें ये चैन भी दी गई, लाइक दिस इज अ जैकेट विथ स्टैंड कॉलर, तो ये इस तरीके की जैकेट है। ये चीज़ मुझे पसंद आई, बट मुझे इसमें से एक अजीब सी स्मेल आई। दूसरी चीज़, ये मुझे 40 हुए रिसीव हुई है गाइस, ये देखिए ये डैमेज है, ये डैमेज रिसीव हुई है मुझे, तो मैं अब आपको यार इसके बारे में क्या ही बोलूँ मतलब। बट कई बार ऐसा होता है कि गलती से भी डैमेज प्रोडक्ट आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे कभी रिसीव हुआ नहीं है डैमेज प्रोडक्ट, तो मे बी गलती से आ गया होगा। इसका लिंक मैं फिर भी आपको दे दूंगी, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मतलब एक बार ही चेकआउट कर सकते हो, क्या पता आपको डैमेज प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि मीशो इतना भी चीप नहीं है कि मतलब आपको डैमेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। और मुझे एक चीज़ और लग रही है कि किसी ने मंगाया होगा और उसने यूज़ करा है, और यूज़ करने के बाद जो सेलर है उसको रिटर्न किया है, तो इसमें मुझे लगता है कभी कभी कि सेलर की गलती नहीं है, लेकिन हाँ उनको एक बार चेक करके चीज़ें भेजनी चाहिए। अदरवाइज लुक वाइज ये बहुत सुंदर लग रही है, और यस इसमें मैं मार्क्स क्या ही दूँ, फटी हुई रिसीव हो गई यार, नहीं तो इसका लुक देखो कितना अमेजिंग आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको पहन के आपको ऐसे क्विकली दिखा दूंगी, लाइक मैं इसको ज़्यादा पहनना नहीं चाहती, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको पहन के ज़रूर दिखाने वाली हूँ गाइस। तो यस गाइस, यही थे मतलब 4-5 चीज़ें मैंने मंगाई हुई थी, और एक ये पहनी रखी। एक और मैंने जैकेट मंगाई थी जिसको मैंने मतलब एक यूट्यूब के ही एक इन्फ्लुएंसर से देखा था, और मैंने उसको फिर ऑर्डर किया था, बट वो लोगों ने डिलीवर ही नहीं किया, मतलब मुझे उन्होंने ऑटो कैंसिल खुद के तरफ से कर दिया, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज अब उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, और मैं बट उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी उसको स्टाइल करने के लिए, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था मुझे पिक्चर्स में। आई डोंट नो मुझे रिसीव कैसा होता, बट जिनको रिसीव हुआ था ना उन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ मेरी ऑडियंस के साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया, तो मैं मतलब अभी उसको शेयर नहीं कर सकती। मे बी नेक्स्ट वीडियो मैं उसको ऑर्डर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, और आप लोगों को इनमें से कौन सा पीस सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे वो भी बताना। ओवरऑल मुझे पता है इस हॉल वीडियो में मुझे खुद भी मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टिव पीसेज मंगाए थे, जितनी उम्मीद करके मैंने मंगाई थी उतना आया नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ना आपको अच्छा ही रिव्यू दूँ हर चीज़ का। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, तो मुझे लगता है कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, नहीं तो आप लोग वो ऑर्डर करो फिर आप लोगों बार बार मतलब यू नो परेशान हो। कई लोगों को रिटर्न करते नहीं आता, कई लोगों को नहीं पता है कि हमारे पैसे कैसे वापस आते, तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए। और आपको सच में हेल्पफुल लगा कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।